अगर आपको चाहिए कम दाम में गुड क्वालिटी का एलईडी बुक लाइट तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसका कुछ फीचर्स। तो हेलो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही एक कूल गैजेट का बात कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बस में है या ट्रेन में है, जहाँ पर आपको लाइट सब ठीक से नहीं मिल रहा है, आपको किताब पढ़ना है या आपको लैपटॉप में काम करना है, तो इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं। अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का नाम है एलईडी बुक लाइट, जो बहुत ही कम दाम में अभी मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का और भी डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस प्रोडक्ट का, इसके साथ आपको एक डेटा केबल दिया जाता है जो डायरेक्ट आप इसको ऑन कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको ऑन करके आप लाइट, इसका एलईडी लाइट जो है आप इसको ऑन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट इसको ऑन करके आप किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, आप प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं लैपटॉप में, कीवर्ड देखने के लिए लैपटॉप का ज़्यादातर ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ आपको और कुछ नहीं दिया जाता है, सिंपल है बहुत सा, ये प्लास्टिक मटेरियल का है। तो इसके साथ एक क्लिप है इसके साथ एडजस्ट करने के लिए, आपको लैपटॉप में हो या आपको बुक पढ़ना हो उसके साथ। पीछे में अगर देखा जाए तो 3AA बैटरी का ऑप्शन है, इसके साथ आप 3AA बैटरी लगा के यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। अगर इसका क्लिप का नीचे अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा सा सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है जो आपका स्लिप नहीं खाएगा। ओके अगर इसका वायर का बात किया जाए तो फ्लेक्सिबल वायर है, मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस तरह का ये फ्लेक्सिबल वायर काम करता है। बहुत ही नाइस प्रोडक्ट है, आप इसको परचेस कर सकते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा लैपटॉप में या कि बुक पढ़ने में। और पीछे में इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया जाता है, एलईडी लाइट का पीछे में इसका ऑन ऑफ करने का स्विच दिया जाता है। तो चलिए इसको बैटरी के साथ आप कनेक्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 बैटरी है। अब मैं इसको बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, इस तरह से आप बैटरी यहाँ पर लगा दीजिए और इसको ऑन कर लीजिए। एक बात मैं बोलना भूल गया, ये यहाँ पर कोई रिचार्ज का ऑप्शन नहीं है कि रिचार्जेबल बैटरी लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैटरी यहाँ पर रिचार्ज नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पर ऑन करने के लिए पीछे में जो बैक बटन है, एक बार दबाने से पहला एलईडी, दूसरी बार दबाने से दूसरा एलईडी, और तीसरी बार दबाने से ऑफ हो जाता है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 LED 2 LED एंड ऑफ, सेम दोनों में है, 1 LED 2 LED एंड ऑफ। तो इस तरह का आपको मिल जाता है ये प्रोडक्ट। इसका ब्राइटनेस की बात किए तो बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस है इस प्रोडक्ट का, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसको किताब में, बुक में आपको कैसा करके यूज़ करना है, कुछ इस तरह से आपको बुक में यूज़ करना है इसको। जो इसका क्लिप है, बुक का जो पेज है, उस पेज के साथ इसको आपको लगाना है और इस तरह से आपको यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, 1 LED से भी आप आराम से आपका बुक पढ़ सकते हैं। तो आप लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से आप लैपटॉप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली इस मेरा लैपटॉप में इसको यूज़ किया हूँ, इस तरीके से आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और आपका ज़्यादातर ये आपको हेल्प करेगा, आपका जो लैपटॉप का कीवर्ड है वो समझने में बहुत हेल्प करता है। नाइट में ज़्यादातर मैं जब वीडियो एडिट करता हूँ तब इसका बहुत ज़रूरत होता है। मैं रूम का लाइट ऑन नहीं करना चाहता उस टाइम में, तो रूम का लाइट ऑफ करके मैं बहुत आराम से इसको यूज़ करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज करता हूँ और एक जगह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लैपटॉप का इस पोजीशन जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, याद रखिए ये आप डिस्प्ले में गलती से मत लगाइए ना, डिस्प्ले आपका डैमेज हो सकता है। तो मैं जो लैपटॉप का जो मेरा फ्रंट कैमरा है उसमें, वहाँ पर मैं इसको लगा दिया। आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन आपको मैंने इसका जो कीवर्ड है समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।